श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध 17वां अध्याय कालिय के कालिय दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच नागालयम् रमणकम् कस्मात्तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसम्। श्री शुक उवाच उपहार्यैः सर्पजनैर्मासि मासीहयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था, और उस अकेले ने ही गरुण जी का कौन सा अपराध किया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पूर्व काल में गरुण जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुण को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुण जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। यह कथा इस प्रकार है। गरुण जी की माता विनता और सर्पों की माता कद्रु में परस्पर वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुण जी जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुण जी को एक सर्प की बलि दिया करे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुण का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुण को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुण को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिय नाग ने जब देखा कि गरुण बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था, उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थीं। तारक्षनंदन गरुण जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिय नाग की यह ढिठाई देखकर
उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुण के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुण ने तपस्वी सौभर के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़ कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुण को यह शाप दे दिया, यदि गरुण फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूं। परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस सांप की बात काली नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुण के भय से वहां रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काले नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थीं। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात
वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने प्यारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है, देखो देखो यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। अग्निपान मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिए यह दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। रामावतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था, अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है। कार्य का कारण में लय होता है। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ, मुखाद अग्निर अजायत, इसलिए भगवान ने उसे मुख में ही स्थापित किया। मुख के द्वारा अग्नि शांत करके यह भाव प्रकट किया कि भवदावाग्नि को शांत करने में भगवान के मुख स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ हैं। हरि शरणम् श्री कृष्णार्पणमस्तु।